बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान मुराद अली शाह। हाजिर हूँ एक नए प्रोग्राम के साथ। आज हम आए वर्कशॉप दिखाएंगे आपको। वर्कशॉप आज हम जा रहे हैं भाई वर्कशॉप। गाड़ी थोड़ी सी ख़राब हो गई, मोबाइल लीक कर रहे, दिखाएंगे मैकेनिक को, देखते मैकेनिक क्या बोलते हैं। चलते हैं शिव अड्डा। सही दादा, हम शिव अड्डे जा रहे हैं और ये रास्ता है शिव अड्डे जाने का। प्यारा मौसम है, बारिश हो चुका है, मौसम ठंड है, इसलिए बाज़ार जा रहे। नहीं तो तीन चार दिन इतनी ज़्यादा गर्मी थी, निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। खान गांव बस स्टॉप है और हम लोग गुजर रहे, हम लोग आगे जाएंगे शिव अड्डा। निकालो खान है, निकालो खान। ये कालो खान गांव बस स्टॉप है, यह अस्पताल है सामने, मेडिकल सरकारी अस्पताल है कालो खान गाँव का। ये जी शिव अड्डे का इलाका है, बस शिव अड्डा शुरू हो गया। यहाँ पे साथ ही वर्कशॉप है, नज़दीक है, इतना दूर नहीं। जाएंगे वर्कशॉप पे, गाड़ी दिखाएंगे यार। ये सामने वर्कशॉप टनेंगे, बारिश भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। ये वर्कशॉप भी जी अंदर एंट्री होंगे। अच्छे थे रखा। अस्सलाम वालेकुम। ये भाई मैकेनिक, ये देखिए ये गाड़ी को क्या मसला है, इसको उठाओ भाई, बाहर लो, सही जान देना है। पता नहीं घूम निकला होगा इसपे साल चला रहा। सही चेक कर, लीक कहाँ से हो रहा है? बोले बिजली रिश्ता ना, बिजली तार चले रहा है, ये सब कार पे है, ये सब कर रहा है। हाँ
जी इसका कनेक्शन लीक हो गया, बदली कराएगा उस्ताद अभी। ये जो वर्कशॉप है और उसका उस्ताद है, और हमारी गाड़ी है भाई ख़राब हो चुकी है, तीन चार दिन से कड़ी हुई थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, निकलने का कोई चांस ही नहीं था। बाप आज मौसम साफ है, मैंने बोले चलो चक्कर लगाते हैं और गाड़ी को भी सही कर लेंगे। अकीट में तो कम दिन पैमान मुंग तो खुबिया रूस तो रहा गए, मुंग तो खुबिया रूस तो उस रहा है तकरीबन त्रेव ये इसका वर्कशॉप है भाई माशाल्लाह, और साथ में स्पेयर पार्ट का दुकान भी है, गाड़ी को ठीक करेंगे। ये जी शिवाडा यहाँ से शुरू होता है और ये वर्कशॉप है जावेद उस्ताद का, वो सामने गाड़ी खड़ी हुई बनाने के लिए लाई हुई मैंने। और ये जावेद उस्ताद और ये शिवाडा, ये जी बाकी वर्कशॉप है साथ में, और ये खैराजी का दुकान है। ये दोनों पड़ोसी है, जावेद उस्ताद और खैराजी उस्ताद रावेदो, और ये इसका दुकान है जी माशाल्लाह, काफ़ी सारा बड़ा पड़ा होगा, ये खैरात का काम करते। ये जी गाड़ी का मुरम्मत हो गया उस्ताद जी, हो गया कंप्लीट, हो ख़त्म हो गया। अच्छा ये ब्रेकेल का मसला था भाई, ये क्लच का काम हो रहा था, ब्रेकेल सारा ख़त्म कर दिया था, नीचे बह गया था, और ये सारे उस्ताद और शागिर्द। उस्ताद ये चक्कर पे लगा हुआ आया, चक्कर पे लगा हुआ रप रप के यहाँ बेमु का दीशी हो जी। बिस्मिल्लाह ये जी ड्राइव भी गया उस्ताद, गाड़ी को चेक करेगा कि सेट हो गया कि नहीं। ये जी गाड़ी वापस आ गई, अभी उस्ताद से पूछेंगे कि किस पोजीशन में भाई गाड़ी। उसका ही सब मसाला हो बाकी, हाँ उसका जी सब किश्ते सर बाकी कोक दे दस ला गए सर सवेरे दे होगी कि राह हो गए रे लगे दे बहुत बदलू लगवाड़ी कना मसाला नहीं जोड़े मसाला। चलो भाई दूसरा काम भी निकल आ गया, बोलते टेर टेढ़ा हो गया गर्मी की वजह से।
की रेडी रेडियर की सफाई हो रही है। बहुत ज़्यादा गंद है इसमें, अब ये वाला पानी डालेंगे। उस्ताद बोल रहे इसके साथ रंग मंग और गंद नहीं आता। ये तो सब उस्ताद जी से कूलिंग का लड़ा वापस हो रहा है। कूलिंग का अड़ा वापस हो रहा था 1200 रुपए बानो सारा 12 वखाई अधिक राजियो राजियो पके सोड़ा भी कितने डबे डालोगे आप? एक के बाद दो डबे है। अच्छा बस पानी का देख इन शक्ल देख पानी का माशाल्लाह। ये 1200 रुपए का एक डब्बा। ये रेडी रेडियर का पानी है देखें जी, माशाल्लाह कितना प्यारा कलर है। इसके साथ रेडी रेडियर साफ होता है और कचरा भी नहीं होता, जंग मंग भी नहीं होता इसके साथ, और स्टार्टिंग भी सही करता है, ख़ास करके बर्फ़ इलाके में, जहाँ पे आप बर्फ़ के इलाके में जाते हो वहाँ पे इसका स्टार्टिंग बहुत प्यारा होता है, बेहतरीन होता है, इसलिए कि ये जमते नहीं, इससे बर्फ़ नहीं बनता। आप इसको फ्रीजर में भी रखोगे जमेगा नहीं। सेड़ा का डबा रोड़ा रोड़ा लगा ये दूसरा डब्बे जी 2500 रुपए का पानी सिर्फ लगा है इसमें। प्रोग्राम को ख़त्म कर दें, मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, चाहेंगे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।